दोस्तों मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और चैनल बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होने लगा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत शानदार कंटेंट बनाते हैं और साथ ही साथ आपके जैसा आपका कंपटीटर बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक, उसके बावजूद भी अगर आपके वीडियोज़ वायरल नहीं होते, तो ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे आपके वीडियो का कंटेंट ही जिम्मेदार हो सकता है कि कहीं कहीं पर कुछ और चीज़ें जिम्मेदार हो सकती है। कैसे, मैं आज आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो चैनल मेरा 4 साल से ग्रो नहीं हो रहा था वो अचानक तेजी से ग्रो पकड़ लिया, जबकि उस पे वीडियोस भी काफी पहले के डाले हुए थे। ऐसा नहीं कि मैं उस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा, कुछ वीडियोस तो डाले, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो ग्रो नहीं हुआ तो किस तरीके से वो बहुत तेजी के साथ ग्रो हुआ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, सच बात बताओ तो। अब मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि अभी उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ, लेकिन पहले के मुताबिक बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है। आप देख सकते हो कि अभी जिस वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते थे उस पर 11,000 से ज्यादा व्यू क्रॉस कर चुके हैं, और साथ ही साथ इस चैनल पर जहां पर कुछ ही सब्सक्राइबर थे अब 1740 से ऊपर सब्सक्राइब हो चुके हैं, वो भी जस्ट एक दिन के अंदर अंदर। अब आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये हुआ क्या मैं आपको डिटेल से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपके चैनल पर भी ये बहुत ज्यादा काम करेगा, यकीन मानिए। मैंने सोचा कि कुछ हटकर कुछ एक बार सोच करके देखते हैं, क्योंकि हर जगह जहां मेहनत नहीं होता है, जहां मेहनत काम नहीं करता है, वहां हो सकता है कि थोड़ा बहुत चालाकी काम कर जाए। मैंने वही किया। क्या किया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये चैनल जो मेरा आई के शर्मा व्लॉग आपने देखा है, ये चैनल मेरा करीब करीब 2018 का बनाया हुआ, आपको यकीन नहीं होगा 2018 या 17 के आसपास का ये चैनल है। उसके बावजूद भी, लगातार मेहनत करने के बावजूद भी जब ये ग्रो नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कोरोना के टाइम में छूट गया था मेरे से ये चैनल, मतलब ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया था, लेकिन दोबारा से जब मैंने आया इस पर वर्क करना शुरू किया तो तब तक शॉर्ट्स वाले सीन्स आ गए थे, तो शॉर्ट्स वगैरह भी मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया, तो ये चैनल कुछ कभी कभार 1, 2, 3 सब्सक्राइबर करके आते थे। तो मैंने इसे दिखाया, इस चैनल को दिखाया, तो सोचा था कि चलो हो सकता है कि कोई थोड़े बहुत लक के वजह से हो सकता है कि दिक्कत आ रही हो। तो मैंने क्या किया, किसी जाने माने व्यक्ति से इसको दिखाया, इस चैनल को। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा एक काम कर, मैं तेरे बारे में सब कुछ बताऊँगा, पहले एक बार तू अपना कुंडली वगैरह दिखा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जन्म पत्रिका वगैरह सब, मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब उन्होंने पूछा, और आपको पता है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह जानकर तुरंत ही कुंडली बन जाती है। कुंडली बनते उन्होंने कहा कि देख बेटा तेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है, ये ग्रो होने की सिचुएशन पर ही है, और यकीन कर तू मेहनत करना मत छोड़ना, तेरा चैनल कभी भी ग्रो हो सकता है, हो सकता आज ही ग्रो हो जाए, हो सकता कल ग्रो हो जाए, या तेजी के साथ ही तेरा लक अब मतलब कि ग्रो होने का समय आ गया है, इसलिए मेहनत कम बिल्कुल मत करना। और यकीन मानो, मैं तो जब YouTube से हार मानने वाला था ना, तभी ये नज़र आ गया कि जहाँ पर कुछ चंद, मतलब बोलते हैं ना बहुत बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, वहाँ पर 1700 से 1700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इतना ही नहीं, जो अभी आप ये जो चैनल देख रहे हो ना, अब मेन बात बता रहा हूँ, ये जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो रिश्तों का रॉक स्टार, इस चैनल पर देखो 8 दिन के अंदर 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, 8 दिन के अंदर 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हो सकता है कि अब 900 होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक जब अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इस वक्त मेरे पास 891 सब्सक्राइबर्स हैं। हो सकता है जब तक आप देख रहे हो, ध्यान रखना 891 अभी मैं शूट कर रहा हूँ, आप जब देख रहे होगा तो नीचे हो सकता है कि 900 क्रॉस कर गया हो, या करने वाला हो, या हो सकता है 1000 के आसपास पहुंच गया हो। इस वीडियो को देखते आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो पर मैं आपको बता रहा हूँ 891 सब्सक्राइबर्स, हो सकता है जब तक आप देखो तब तक और ग्रो कर जाए। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पर मेहनत करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत करना दोस्तों, लास्ट मोमेंट पर तो मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक बंदा के एक मैकेनिक था, उसके पास एक गाड़ी आई बनाने के लिए, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उस मैकेनिक ने उस पर ना मतलब ठोक ठोक के कोशिश किया स्टार्ट करे, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने 99 बार मतलब कोशिश कर चुका था कि गाड़ी स्टार्ट हो, उसको और एक कोशिश करना था, लेकिन लास्ट में वो हार गया, बोला कि नहीं होगा। तब तक क्या किया गया, उसके बाद उस कार को बगल वाले गैरेज में लेकर जाया गया, उसने भी क्या किया, जैसे एक बार उसने ठोकर मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, समझ में आया, कोशिश, यानी कि ये अगर एक बार और कोशिश कर दिया होता ना, तो इसकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी होती, लेकिन किसने स्टार्ट किया, उसने, जिसने पहला कोशिश में, हमें लगता है क्या पहले कोशिश में तो उसने स्टार्ट कर दिया और आपने 99 में स्टार्ट नहीं कर पाए, नहीं भाई साहब,
99 तो मेहनत इसकी थी, एक मेहनत उसकी थी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल कोशिश मत करना, अगर आपने जब बहुत ज़्यादा भी वीडियो डाल दिया है ना और बाकी जितने भी ट्रिक्स वगैरह सब फॉलो कर लिया, इंतज़ार करो, आप बस अपने सही समय का इंतज़ार करो और अपना काम करते जाओ। यही मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरा चैनल ग्रो होने लगा है। अब मुझे नहीं पता कि कितना ग्रो होगा कितना नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना मोटिवेशन जरूर मिल गया है कि अब तो इस चैनल पर काम करना ही है, इन दोनों चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, आई के शर्मा ब्लॉग के नाम से भी है और इस तरह के रॉक स्टार से भी है, क्योंकि अब मेरे ये चैनल ग्रो होने लगे हैं और मुझे बहुत यकीन है, मतलब पूरा यकीन है कि इस साल तक इसमें मैं कम से कम इन दोनों चैनल पर 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो, आप बनाते भी हो, लेकिन अगर आप पर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो आप परेशान मत होना, आप मेहनत करते रहना और कभी कभी कुछ टेढ़ी तरीके भी, टेढ़े जो तरीके होते हैं ना, वो भी किया करना। आप अगर सोचोगे ना कि बिल्कुल साफ सुथरा होकर के, अक्सर जो फर्स्ट पहली बार जो आते हैं ना यूट्यूब पर, सोचते हैं मैं बिल्कुल सही एकदम साफ सुथरा ईमानदारी से वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत पीछे रह जाओगे। थोड़ा सा मैं बेईमानी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं चालाकी करने के लिए कह रहा हूँ। इतना ध्यान रखना, चालाक बनो, यूट्यूब पर बहुत आगे जाओगे। मैंने थोड़ा सा चालाकी किया और आज बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे कि मेरा अगला वीडियो आप तक बहुत जल्द और आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच।